रिंगवर्म्स एक बीमारी है जो काफी तंग करने वाली है। वो छोटे छोटे दाने बनकर एक चक्कर सा बना देते हैं, और रिंगवर्म बालों में हो, सर में हो, तो वहां से बिल्कुल बालों को, उतने हिस्से को बिल्कुल उखेड़ देता है। और एलोपीशिया की बीमारी जिसमें बालों के गुच्छे उतरते हैं, रिंगवर्म से मिजाज में बहुत मिलती है, खार रिंगवर्म के नतीजे में हो या ना हो, मगर ये फंगस के नतीजे में गालबन होती है। इसका मिजाज रिंगवर्म से बहुत मिलता है। इसमें मैं आपको पहले नुस्खा लिखवा चुका हूँ, लेकिन उसमें भी बेसिलिनम मैं ज़रूर देता हूँ। और बर्नेट का ये ख्याल है कि रिंगवर्म में बुनियादी वजह सिली मादा है, और अगर किसी को रिंगवर्म, गोल चक्रों वाले वर्म्स की बीमारी हो, तो उसको लाजिमन बेसिलिनम या ट्यूबरकुलिनम देनी चाहिए। जो मैंने रिंगवर्म में दवाएं मुफीद देखी हैं, उनमें ये बेसिलिनम मैं साथ देता हूँ, और नेक्ट्रम्योर 200 में भी मेरे तजुर्बे में है कि रिंगवर्म में काफ़ी मुफीद है अगर इसके साथ मिला के दी जाए। इसके साथ फिर वो ट्यूक्रियम है या पिक्रिक एसिड भी इसमें काफ़ी मुफीद साबित होता है। बाज़ दफ़ा ये दवाएं पूरा काम ना करें तो सुराइनम की 1000 की एक खुराक दे दी जाए, तो उसके असर से जिल्द में अच्छा रद्द अमल पैदा होना शुरू हो जाता है और ये दवाएं काम करती हैं।